सुप्रभातम। अब हम यहाँ इंद्र सूक्त के पांचवें मंत्र से अध्यापन प्रारंभ करेंगे। देखिए, यम इस्मा प्रक्षन्ति कुहु स इति घोरम उत इम आहुर आहु न एषो अस्ति इति एनम सो अरिह पुष्टि पुष्टि इव पुष्टि विज इव विज इव आमिनाति श्रद्धस्मयी धत्त से जना से इंद्र। देखिए, यम यहाँ से पढ़ते हैं, यम यानी कि जिस, घोरम घोर यानी कि भयानक, कि जिस भयानक इंद्र के विषय में, यहाँ घोर शब्द इंद्र के लिए दिया गया है कि यम घोरम जिस भयानक इंद्र के विषय में प्रक्षन्ति इस्म यानी कि लोग पूछते हैं, कि जिस भयानक इंद्र के विषय में लोग पूछते हैं, क्या पूछते हैं स कुहु इति, कुहु स इति में स कुहु इति यानी कि स वह इंद्र कुहु कहाँ है इति, इस प्रकार से कि जिस भयानक इंद्र के विषय में लोग पूछते हैं कि वह कहाँ है, इस प्रकार से। उत एनम इम, उत एनम, एनम इधर है, उत एनम फिर इसमें लेंगे, उत इम दो शब्द है, उत एनम इम, उत एनम इम अर्थात उत यानी की और, एनम निश्चय ही, उत यानी की और, एनम निश्चय ही इम इसके, इस इंद्र के विषय में, इम इस इंद्र के विषय में, एषः न अस्ति, एषः न अस्ति अर्थात यह नहीं है, अर्थात यह नहीं है, इति आहु, इति आहु इस प्रकार से कहते हैं, यानी कि जिस भयानक इंद्र के विषय में लोग पूछते हैं कि वह कहाँ है, या निश्चय इसके विषय में कहते हैं कि यह नहीं है, इति आहु इस प्रकार से कहते हैं। से वह इंद्र, सो यानी कि सह वह इंद्र, अर्य पुष्टि, अर्य पुष्टि, अर्य यानी कि शत्रुओं के, पुष्टि यानी कि पोषक धनों को, वह शत्रु वह इंद्र शत्रुओं के पोषक धनों को, विज इव विजेता के समान आमिनाती छीन लेता है, अर्थात नष्ट कर देता है, कि वह शत्रुओं के पुष्टि धनों को या पोषक धनों को विजेता के समान आमिनाती नष्ट कर देता है। जनास है हे मनुष्यों, जनास है हे मनुष्यों, अतः श्रद्धस्मयी धत्त, अस्मयी इस इंद्र के प्रति श्रद्धा को धत्त धारण करो, कि इस इंद्र के लिए श्रद्धा को धारण करो, कि जनासे हे मनुष्य हे इंद्रो, यहे मनुष्यों यह असुरो, सह इंद्र है वह इंद्र है मैं नहीं हूँ। देखिए, गृहस्थमद ऋषि यहाँ कह रहे हैं, गृहस्थमद ऋषि हैं, देवता इंद्र हैं अपने छंद त्रष्टु पे, और ये दूसरे मंडल का बारहवा सूक्त बता चुकी हूँ, इसके मैं दोबारा सुन लो इसको, कि यम घोरम जिस भयानक इंद्र के विषय में रक्षन्ति इष्मा लोग पूछते हैं कि सा कु इति, कि वह कहाँ है, उत और एनम और निश्चय ही, एनम निश्चय ही इम इसके विषय में, एशो न अस्ति यह नहीं है, इति आहु ऐसा कहते हैं। सो वह इंद्र अर्य पुष्टि शत्रुओं के पोषक धनों को, विज इव विजेता के समान आमिनाती नष्ट कर देता है या छीन लेता है। श्रद्ध अस्मय धत्, अस्मय इसलिए इसके प्रति श्रद्धा को धत्त धारण करो। जनास है हे मनुष्यों या हे असुरो, सह इंद्र है वह इंद्र है। इस प्रकार गृहस्थमद ऋषि यहाँ इंद्र के बारे में कहते हैं कि लोगों को ही नहीं पता कि वह कहाँ है या वह नहीं है, वो शत्रुओं के धनों को छीन लेता है विजेता के समान, तो कहते हैं इसलिए इस इंद्र के प्रति श्रद्धा को धारण करो, ऐसे वीर कर्मों को करने वाला इंद्र ही है। अगले श्लोक पर आते हैं।
यो रद्रस्य च उदीता यह कृशस्य यो ब्राह्मणो नाद मानस्य कीरे युक्त ग्रावणो यो अविता शुशिप्रे सुत सोमस्य से जनासे इंद्र। देखिए यह यानी कि जो इंद्र, यह यानी कि जो इंद्र रद्रस्य, रद्रस्य यानी कि धनवान व्यक्ति का, रद्रस्य यानी कि धनवान व्यक्ति का च उदीता यानी कि प्रेरक है, कि कहते हैं कि जो इंद्र धनवान का प्रेरक है, यह जो इंद्र कृशस्य, कृशस्य यानी कि निर्धन व्यक्ति का, ये वर्ड च उदीता इधर ही आ जाएगा कि जो इंद्र धनवान का प्रेरक है और जो कृशस्य निर्धन का भी प्रेरक है। यह यो जो इंद्र ब्राह्मणे, ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण का, ब्राह्मणों यानी कि ब्राह्मण का, नाद मानस्य, नाद मानस्य यानी कि याचना करने वाले का, याद मानस्य याचना करने वाले का, कीरे, कीरे यानी कि स्तुति करने वाले का च उदीता प्रेरक है। कह रहे कि जो इंद्र ब्राह्मण का, याचना करने वाले का और स्तुति करने वाले का प्रेरक है। शुशिप्र, ये इंद्र का विशेषण है, शुशिप्र यानी कि सुंदर हनु वाला या सुंदर थोड़ी वाला। कह रहे हैं कि सुंदर थोड़ी वाला जो इंद्र, सुंदर थोड़ी वाला यह जो इंद्र युक्त ग्रावणे, युक्त ग्रावणे का अर्थ क्या होगा, पत्थरों को मिलाने वाले का, युक्त यानी कि मिलाने वाले का, ग्रावणे यानी कि पत्थरों को, पत्थरों को मिलाने वाले का, युक्त ग्रावणे पत्थरों को मिलाने वाले का, सुत सोमस्य, युक्त ग्रावणे सुत सोमस्य भी जुड़ जाएगा इसमें, सुत सोमस्य और सोमरस को निचोड़ने वाले का, और सुत सोमस्य सोमरस को निचोड़ने वाले का अविता रक्षक है, यानी कि सुंदर थोड़ी वाला जो इंद्र पत्थरों को मिलाने वाले का और सोमरस को निचोड़ने वाले का रक्षक है। इसलिए जनासे हे मनुष्यों, हे मनुष्यों या हे असुरो, सह इंद्र है, वह इंद्र है। कह रहे इंद्र के विषय में बताते हुए गृहस्थ ऋषि कहते हैं कि जो इंद्र रद्रस्य धनवान का प्रेरक है, जो इंद्र कृशस्य निर्धन का प्रेरक है, जो इंद्र ब्राह्मण का नाद मानस्य याचना करने वाले का, कीरे यानी कि स्तुति करने वाले का प्रेरक है, यानी इन सबको प्रेरणा देने वाला है। शुशिप्रे सुंदर थोड़ी वाला यो जो युक्त ग्रामणों दो पत्थरों को मिलाने वाले का और सुत सोमस्य सोमरस को निचोड़ने वाले का वीता रक्षक है। ऐसा वह इंद्र यानी कि सह, ऐसा वह इंद्र, इंद्र वह इंद्र है, जनासे के लोगों ऐसा ही वह इंद्र है। तो ग्रस्त समाधि ऋषि यहाँ इंद्र क्या स्वरूप का वर्णन बताते हैं थोड़ा सा कि शुशिप्रे कि वो सुंदर थोड़ी वाले हैं, ठीक है, और वो धनवान के, निर्धन के, ब्राह्मण के, याचना करने वाले, स्तुति करने वाले अर्थात समस्त प्रकार के प्राणियों के प्रेरक हैं। सोम पे इंद्र को सोम प्रिय बताया गया है, यानी कि सोमरस का पान के प्रिय बताया गया है उनके लिए, इसलिए वो सोमरस को निचोड़ने वाले के भी प्रेरक हैं, यानी कि उनकी रक्षा करते हैं। कहते हैं कि अभिषेक करने हेतु सोमरस को पीसने के लिए पत्थरों को, जब पत्थरों को मिलाने वाले के और सोमरस को निचोड़कर इंद्र को समर्पित करने वाले की, समर्पित करने वाले यजमान की वो रक्षा करते हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। यश्याश्वासे प्रदिशि यश्या गावो यश्ये ग्रामा यश्य विश्वे रथासे यह सूर्यम यह उससम जजान यो अपाम नेता से जनासे इंद्र। देखिए यहाँ इंद्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है कि इंद्र के अंडर में यानी कि इंद्र के आधिपत्य में क्या क्या है। देखिए यश्य जिसके, यश्य जिसके प्रदिशी अनुशासन में, यस्य जिसके प्रदिशी अनुशासन में या आधिपत्य में अश्वास है, अश्वास है यानी कि घोड़े हैं, जिसके अनुशासन में घोड़े हैं, यस्य और जिसके अनुशासन में गाव है, गायें हैं, यस्य जिसके अनुशासन में ग्रामहा गांव है, ग्राम यानी गांव है, यस्य विश्वे रथासे और जिसके अनुशासन में विश्वे सभी, विश्वे का अर्थ है सभी, रथासे रथ हैं, अर्थात जिस इंद्र के अनुशासन में घोड़े हैं, जिस इंद्र के अनुशासन में गायें हैं, जिसके अनुशासन में ग्राम है, जिसके अनुशासन में सभी प्रकार के रथ हैं।
यह जो इंद्र सूर्यम सूर्य को, यानी कि जिस इंद्र ने सूर्य को, यह जिसने उषिषम उषा को जजान उत्पन्न किया है, कि जिस इंद्र ने सूर्य को और उषा को उत्पन्न किया है, यो जो इंद्र अपाम नेता, अपाम यानी कि जलों को प्रेरक, जलों का नेता यानी कि प्रेरक है, यानी कि जो इंद्र अपाम नेता जलों को ले जाने वाला है, जलों को बहाने वाला है या जलों का प्रेरक है, जनासे हे मनुष्य अथवा हे असुरो से इंद्र है वह इंद्र। देखिए श्लोक बहुत ही सरल है कि यस्य जिस इंद्र के प्रदेशी अनुशासन में अश्वास है घोड़े हैं, यस्य जिस इंद्र के अनुशासन में गावो गाय हैं, यस्य जिस इंद्र के अनुशासन में ग्रामा गांव हैं, यस्य जिस इंद्र के अनुशासन में विश्व रथा से सभी प्रकार के रथ हैं, यह जिस इंद्र ने सूर्यम ये उषिषम जजान, जिस इंद्र ने सूर्य को, जिसने उषा को जजान उत्पन्न किया है, यो जो इंद्र अपाम नेता जलों का प्रेरक है, सह जनास है इंद्र है वह है मनुष्य ये असुरो वह इंद्र है। देखिए ग्रत्समद ऋषि यहाँ इंद्र देवता के नियंत्रण के बारे में बता रहे हैं कि इंद्र देव के आधिपत्य में क्या क्या है। देखिए सभी प्रकार के घोड़े गाय ग्राम रथ सभी इंद्र देवता के नियंत्रण में यहाँ बताए हुए हैं, अर्थात उनके आदेश के अनुसार ही सभी अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। ये तात्पर्य है यहाँ कहने का, कह रहे इंद्र देवता के अस्तित्व के होने के कारण ही इस जगत के गांव अपने अपने स्थानों पर, इंद्र की आज्ञा में ही श्रेष्ठ योद्धाओं के उत्तम रथों की स्थिति है, इंद्र के कारण ही इस जगत के गांव अपने अपने स्थानों पर स्थित हैं। यहाँ इंद्र को सूर्य और उषा का उत्पादीयता यानी उत्पन्न करने वाला और जलों का प्रेरक बताया गया है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। यम क्रंदसी संयति विभेते परे अवरे उभय अमित्रा यश समानम चिद रथम आतस्थि वांशा नाना हवेते से जनासह इंद्र। देखिए यम जिस इंद्र को क्रंदसी शोर मचाती हुई, यम जिस इंद्र को क्रंदसी शोर मचाती हुई संयति, संयति अर्थात युद्ध के लिए एक दूसरे के निकट आती हुई, संयति अर्थात युद्ध के लिए एक दूसरे के निकट आती हुई, आती हुई दोनों सेनाएं विविहेते विविध प्रकार से बुलाती है, यानी कि यम जिस इंद्र को क्रंदसी शोर मचाती हुई संयति, संयति अर्थात युद्ध के लिए एक दूसरे के निकट आती हुई दो प्रकार की सेनाएं विभेते विविध प्रकार से बुलाती हैं। परे अवरे, परे यानी कि उत्कृष्ट, परे उत्कृष्ट, अवर यानी कि निकृष्ट, कि उत्कृष्ट और निकृष्ट उभिया, उत्कृष्ट और निकृष्ट उभिया यानी कि दोनों प्रकार के शत्रु, उभिया यानी कि दोनों प्रकार के अमित्रा यानी कि शत्रु, उन्हें विविध प्रकार से बुलाते, विवेते यही आ जाएगा, इसको यहाँ भी फिट हो जाएगा ये कि विवेते विविध प्रकार से बुलाते हैं, कि उत्कृष्ट और निकृष्ट प्रकार, निकृष्ट दोनों प्रकार के शत्रु उन्हें विविध प्रकार से बुलाते हैं। यम जिस इंद्र को समानम चित, समानम यानी एक जैसे चित ही, जिस इंद्र को एक जैसे ही रथम आतस्थि वांसा, एक जैसे ही रथ पर बैठे हुए यानी एक जैसे ही रथ पर आरूढ़ हुए दोनों प्रकार के योद्धा यानी कि दोनों योद्धा नाना हवेते अनेक प्रकार से बुलाते हैं, यानी कि देखो समानम एक जैसे चित ही रथम आतस्थि वांसा, रथ पर बैठे हुए दोनों योद्धा नाना हवेते अनेक प्रकार से बुलाते हैं, कि बुलाते हैं इति इस प्रकार से जनासे हे लोगो या हे मनुष्य हे असुरो से इंद्र वह इंद्र है। दोबारा सुन लो, यम जिस इंद्र को क्रंदसी शोर करती हुई संयति युद्ध के लिए एक दूसरे के निकट आती हुई सेनाएं विविहते विविध प्रकार से बुलाती हैं, परे अवरे, परे यानी कि उत्कृष्ट
अव्रय और निकृष्ट उभिया दोनों प्रकार के मित्र शत्रु विवेदे उन्हें विविध प्रकार से बुलाते हैं। समानम समान चित ही रथम आथस्ती वांसा की समान ही रथ पर बैठे हुए दोनों योद्धा नाना हवेते इंद्र को अनेक प्रकार से बुलाते हैं कि जनासे हे मनुष्य हे असुरो सह इंद्र वह इंद्र है। इस प्रकार से बताया गया है, ग्रसमद ऋषि यहाँ कहते हैं कि इंद्र को युद्ध देवता युद्ध का देवता कहा गया है। ग्रसमद ऋषि इंद्र को युद्ध के देवता के रूप में प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि दोनों प्रकार की सेना जो उत्कृष्ट और निकृष्ट हो दोनों और दो शत्रु सेनाएं अपनी अपनी विजय के आह्वान के लिए इंद्र का आह्वान करती हैं कि इंद्र अगर आप जिस पक्ष मतलब हे इंद्र हमारी सेना की तरफ से युद्ध लड़ो मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है कि इंद्र जिस सेना के पक्ष में होगा वह सेना निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेगी। तो क्या यहाँ पे उत्तम अधम दोनों प्रकार के शत्रु अपनी अपनी रक्षा के लिए इंद्र को बुलाते हैं, इसलिए यहाँ इंद्र को राष्ट्रीय देवता के रूप में भी प्रतिपादित किया गया है। युद्धोचित गुणों से युक्त यहाँ इंद्र को गृहसमद ऋषि ने बताया है कि इस प्रकार की युद्धोचित गुणों से युक्त व्यक्ति इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। धन्यवाद।